दोस्तों इस वीडियो में जो आपने देखा अभी वो वही वैक्सीनेटर सहायक है जो 15 तारीख को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने गए थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं उस धरना प्रदर्शन से जुड़ी हुई कुछ बातें कि उस धरना प्रदर्शन के बाद सभी लोग ज्ञापन दे करके आए हैं और ये सोच रहे हैं कि अब उनका काम जो है हो चुका है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अभी तक कोई भी जवाब जो है नहीं आया है वैक्सीनेटर सहायकों के लिए, कि ना ही उनको कोई तसल्ली दी गई है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोई भी अभी तक जो है वैक्सीनेटर की समस्याओं को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या वैक्सीनेटर के साथ ऐसा ही होता रहेगा? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आप एक वैक्सीनेटर सहायक हैं या फिर एक संविदा कर्मी की जॉब करते हैं और वैक्सीनेटर सहायकों को सपोर्ट करते हैं, तब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये 86,000 वैक्सीनेटर सहायकों की ज़िंदगी का सवाल है। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने भी वैक्सीनेटर सहायक हैं वो एक मंच से जुड़ें। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी तक जो है कोई भी सरकार की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है कि वैक्सीनेटर सहायकों की सैलरी बढ़ाई जाएगी या जो है उनको जो है पैसे दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। और अभी अगर वैक्सीनेटर सहायकों के साथ में जो है ऐसा हो रहा है, इतना धरना देने के बाद में 18 तारीख को धरना हुआ था, उसके बाद 15 को हुआ और विभिन्न जो है क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में हुआ जो है धरना, वैक्सीनेटरों का लगभग लगभग डेली जो है चालू ही रहता है, उसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है और ना ही कोई जवाब आ रहा है, ना चाहे आप लेटर लिखते हों। वैक्सीनेटर सहायक उनको पता होगा जो लगातार जो है लेटर लिखते हैं, उसका भी कोई जवाब उनके पास नहीं आता है। और मैं आप लोगों से बात करते हुए ये आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से बहुत लोगों की सैलरी आज तक भी नहीं आई है, ना मानदेय का पैसा आया है और ना ही उन्होंने जो कार्य किया है उसका पैसा आया है। तो ऐसा इन लोगों के साथ कब तक चलता रहेगा? आप एक वैक्सीनेटर सहायक हैं तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर हमारी बातों में सच्चाई है दोस्तों, तो इसको सभी वैक्सीनेटर सहायकों के साथ शेयर करिएगा ताकि सभी भाइयों को पता चल सके।